कांगना आज की तारीख में सिर्फ एक कलाकार नहीं है, वो एक राजनीतिक दल की सदस्य भी है। ऐसे में मैं मानता हूँ आपकी अपनी सोच हो सकती है, पर जब आप एक राजनीतिक दल के साथ जब आप जुड़ते हैं तो उस दल की बातों को सामने रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपका उत्तरदायित्व बन जाता है। अब जो नई नई राजनीति में आई है, थोड़ा समय उनको समझने में जरूर लग रहा है, बट आई नो दैट शी इज इंटेलिजेंट इनफ, वो जल्द इन बातों को समझेंगी। नहीं, मेरी नाराजगी नहीं है कंगना से। देखिए, कंगना आज की तारीख में सिर्फ एक कलाकार नहीं है, वो एक राजनीतिक दल की सदस्य भी है। ऐसे में मैं मानता हूँ आपकी अपनी सोच हो सकती है, पर जब आप एक राजनीतिक दल के साथ जब आप जुड़ते हैं तो उस दल की बातों को सामने रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपका उत्तरदायित्व बन जाता है। अब जो नई नई राजनीति में आई है, थोड़ा समय उनको समझने में जरूर लग रहा है, बट आई नो दैट शी इज इंटेलिजेंट इनफ, वो जल्द इन बातों को समझेंगी। व्यक्तिगत राय और राजनीतिक दल जिसका वो सदस्य है उसकी राय में अगर मतभेद है भी, तो प्राथमिकता आपके लिए दल की राय होती है, पार्टी आपकी माँ होती है और पार्टी की सोच के साथ चलना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में कोर्स करेक्शन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कंगना जिस क्षेत्र से आती हैं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का वो बहुत बड़ा नाम है और अकेले फिल्मों को चलाने की उनकी काबिलियत रही है, उनका सामर्थ्य रहा है, तो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए वो ऐसी बयानबाजी करें ये मैं नहीं मानता। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छे से जानता हूँ, मैं नहीं मानता। नहीं, मुझे नहीं लगता। विपक्ष के लोग हैं जो इसको बुनाने का प्रयास करेंगे, पर अंतोगत हुआ परिणामों के बाद 8 तारीख को जब हरियाणा के परिणाम आएंगे, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। उनको कोई सलाह की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वो सब यूपी सरकार ने किसानों का नाम लिखे जाने की बाध्यता की है, हिमाचल प्रदेश की सरकार भी इसको फॉलो कर रही है, तो क्या योगी मॉडल हिमाचल प्रदेश सरकार फॉलो कर रही है? अच्छी बात है, हमारे मॉडल को वो लोग फॉलो करें। अगर विपक्ष के सरकारों को भी लगता है कि हम लोग के फैसले सही हैं और उसको फॉलो करना चाहिए, इसका मैं स्वागत करता हूं। बट हाँ, ये नियम पहले से ही है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, उनका मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ जी का, कि उन्होंने इस फैसले को मजबूती से लागू करवाने का काम किया। ये न सिर्फ गुणवत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, स्वच्छता के साथ जुड़ा हुआ, लोगों के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है, जो वहाँ पर जाते हैं खान पान के उनके विश्वास को भी कहीं ना कहीं सम्मान मिले। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में रहा है। लोकसभा के चुनाव से हम लोग को के जो परिणाम आए चुनाव के, उससे हम लोग को निराशा है।